अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। बलदियाती इंतखाबात हो चुके हैं और हार जीत का फैसला भी तकरीबन हो चुका है। बहुत सों को मालूम हो गया कि वो जीत गए हैं, बहुत सों को मालूम हो गया कि वो हार गए हैं। इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा जिसकी हम सब इज्जत करते हैं, इस इदारे के हाथ में हम लोगों की तकदीर है, इस सरजमीन की तकदीर है। इस दफ़ा इलेक्शन इन लोगों ने बहुत अच्छे करवाए, तो मौके की मुनासिबत से मैंने आज दावत दी है इलेक्शन कमीशन के एक अफसर को कि उनसे बात करें बलदियाती इंतखाबात पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अल्लाह का शुक्र जिंदा हैं आप। आपका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन से है? आपका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन से है? अभी हालत में मैं झूठ तो नहीं बोल सकता, हाँ है। बलदियाती इंतखाबात के बारे में आप कोई बात करेंगे, कुछ कहेंगे? कुछ भी ना कहा और कह भी गए। कुछ कहते कहते रह भी गए। हाथ के नीचे क्या है आपके? सपोर्ट SUPPORT सपोर्ट। आप मुझे बताएं, मुश्किल हालत में है इस वक्त, फिर भी बलदियाती इंतखाबात के बारे में कोई बात करें? बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। आपका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन से है? आपका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन से है? हाँ है, तो तुम क्या कर लोगे? आप लोगों ने अभी बलदियाती इंतखाबात करवाए? हाँ, 18 अगस्त 2005 बरोज़ जुमेरात बलदियाती इलेक्शन हुए। सर, आपको आना नहीं चाहिए था इस हालत में। शौक़ है आपको इंटरव्यू का, आप तशरीफ ले आए, मगर अपने मुंह से कोई बात निकाले? बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह पिटाई का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे तू इतना परेशान क्यों है। सर, मैं चाह रहा हूँ, ये बहुत ही नाजुक घड़ी है, घड़ी आज का दिन जो है, आप कुछ सोचें और फिर कुछ कहें। कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ, इसीलिए तो हूँ कभी मैं सॉरी। आप इस पर कैसे लग रहे हैं? मैं क्या बताऊं, कैसे लग रहा हूँ? सही सही बताओ, है इस गेटअप में, इस लिया में सही सही क्या बताऊं? मुझे लग रहा है आप पे भैंस गिर गई है। भैंस पे मैं गिरा? मगर इस हालत में इतने जख्मी हैं आप, आपके ख्याल में इलेक्शन जो हुए हैं वो कैसे हुए हैं आपके ख्याल में? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। 17 अगस्त की रात आपने कैसे बिताई, क्योंकि 18 की सुबह इलेक्शन थे? बेकल रात बिताई, बेचैन दिन गुजारा। आप डर रहे हैं? आप डर रहे हैं? तुम कोई सियासी वर्कर हो? जी नहीं। मैं नहीं। नहीं डर रहे, हम डरपोक नहीं हैं,
हम बहादुर हैं, बहादुर हैं। शेर के बचपन में उसका शिकार किया था। शेर के बचपन में? हाँ, 2 हफ्ते का था। हम टूट पड़े, एक जगह से कूदे 2 मंजिल से, कोई आ गया था। डरते नहीं हैं, मुसलमान हैं, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। और अल्लाह के बाद बल्दियाती इंतखाबात के वर्कर से डरते हैं। तो आपका झगड़ा किसी सियासी लीडर के वर्कर से हुआ? नो, नॉट एट ऑल। बहुत फ्रेंडली इलेक्शन थे, पूरे मुल्क में कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ। फिर आप परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? फिर आप परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? अबे मैं आपको नजर कहाँ से आ रहा हूँ? मेरा मतलब है, मैंने आधा घंटा अपने आप को शीशे में देखा, तुम्हें कैसे नजर आ रहा? अपनी गुफ्तगू से आप मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये परेशानी जबरी नहीं है, फितरी है, फितरी। और फितरत के आगे बड़े बड़ों को सर झुकाना पड़ता है। क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? मैं जी मैं ये सोच रहा हूँ कि बुजुर्गों ने बुरे काम करने से मना किया, बुजुर्गों ने हराम खाने से मना किया, लेकिन बुजुर्गों ने बल्दियाती इंतखाब के हारने वाले उम्मीदवार के तंबू में जाने से क्यों नहीं मना किया? आए, अबे पहले मरहले में ये हालत हुई है, दूसरे में क्या होगा? आप जब तक नाज़िम देखें, माफ कीजिएगा, आप जब तक इश्तहार देखें, मुलाकात होती है वक्फे के बाद। इश्तहार ख़त्म हो गए जी। मैं फिर आपसे वही सवाल कर रहा हूँ, आप इलेक्शन कमीशन में एक बड़े अफसर हैं, आप मुझे बताएं 18 अगस्त 2005 को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात कैसे हुए? बल्दियाती इंतखाबात कैसे हुए? जी, FFFF, fair, free, fresh, foolproof. ये आप कह रहे हैं? मैं जख्मी हूँ, कोई पागल नहीं हूँ, ये इलेक्शन कमिश्नर और वजीर आजम कह रहे हैं। बहुत सो का ख्याल है कि हमारे जो होने वाले इलेक्शंस जो हुए हैं अभी, बहुत पुरसकून माहौल में, पुर अमन माहौल में हुए। बड़े पुर अमन माहौल में हुए। अबे पुर अमन पाकिस्तान में शादी नहीं होती, तो पुर अमन इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? गांधी हुई है। रिकॉर्ड कर रहे हो? जी, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं नहीं, नो नो, नहीं हुई। नहीं, नॉट एट ऑल। अबे देखो, कयामत की निशानी है, कयामत। प्रेस कॉन्फ्रेंस जीतने वाले उम्मीदवार करते हैं या नहीं? जी हाँ जी हाँ, जीतने वाले करते हैं? जी हाँ। यहाँ हारने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सर, इलेक्शन कमीशन के एक बड़े अफसर हैं आप, तो 18 अगस्त की सुबह जिस दिन इलेक्शन थी, आप कितने बजे पोलिंग स्टेशन पहुंचे? 7 बजे। हाँ, 7 बजे सुबह लालू खेत के एक तंबू में मैं इंतखाबात के इंतजामात देखने घुसा। तबीयत खुश हो गई, दुआएं दी इलेक्शन कमीशन को, क्या आला इंतजाम था। तंबू लगा हुआ है, साफ सुथरा, मेज़ें लगी हुई, कुर्सियाँ बिछी हुई, एक टेबल पे लड्डू, मिठाई, पानी, शरबत के गिलास,
रखे हुए। माहौल देख के मेरा जी खुश हो गया, मैं बैठ के शरबत पीने लगा। कितने बजे मैं गया था? 7 बजे 7:35 पे एक आदमी की हुई तंबू में एंट्री। उसने मुझे देखा फेस टू फेस और पहला जुमला बोला, कौन है बे तू? मैंने जवाब दिया कि मैं इलेक्शन कमीशन का एक अफसर हूँ, बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात का जायज़ा लेने आया हूँ। ये सुनते ही उसने खांसी, बल्कि खांसी नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, इंतहा दर्जे की बदतमीजी की। कहने लगे, अबे ये तंबू बल्दियाती नहीं है, यहाँ तो भाई खलील के बेटे की खतना हो रही है। अब मैं निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तौबा तौबा दो अबे जब खतने के पहले मरहले में इतनी बदतमीजी तो दूसरे मरहले में मेरे साथ क्या होगा? सर, मैंने सुना है कुछ फायरिंग के केसेस भी हुए। हाँ हुए, फायरिंग हुई, लेकिन तसल्ली बख्श फायरिंग थी। फायरिंग तसल्ली बख्श हुई? तसल्ली बख्श थी। 17 कौवे मरे, ओनली 17 क्रोज। उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से नहीं था। हाँ, पंजाब में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई। सर, टर्नआउट कितना था? रिकॉर्डिंग हो रही है? जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। 72% था। 50% था। 50%। कराची के एक इलाके में हमने सुना है कि कुछ बैलेट बॉक्सेस का भी प्रॉब्लम है। हाँ, चार जगहों पे मैं खुद गया था। आई वॉज अ विटनेस। तो क्या हुआ था सर वो? जब बैलेट बॉक्स आए तो हुल्लड़ मचा। अब क्यों मचा हुल्लड़? बैलेट बॉक्सों में सुराख नहीं था, छेद नहीं थी। नहीं, अब हुल्लड़ इस बात पे हुआ कि इसमें वोट कहाँ से डाले जाए, ये हुआ। गुफ्तगू जारी है, आप लोग सुन रहे हैं, और जिनसे सुन रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के एक बड़े अफसर हैं। इश्तहार देखिए और बाद में मुलाकात होगी। सर, वक्फा ख़त्म हुआ। सर, मैं आपसे एक बात किस तरह कहूँ कि मुझे यूँ लग रहा है जैसे आप कुछ कहते हुए डर रहे हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है? जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। नहीं नहीं, हम क्यों डर रहे हैं? असल में बहुत पुरामन इलेक्शंस हुए और अमन व अमान की सूरत हाल जो थी पूरी कंट्रोल में थी। सर, आपकी सूरत हाल से मुझे लग रहा है कि पूरी तरह कंट्रोल नहीं थी अमन अमान की सूरत। नहीं नहीं, इक्का दुक्का तशद्दुद हुए, करेक्ट। अब ये बात दूसरी है कि इक्का तशद्दुद भी मुझ पे हुआ और दुख का तशद्दुद भी मुझ पे हुआ। दुख का तशद्दुद जो है ज़रा शदीद था। वो कैसे हुआ? बताता हूँ। अब हुआ ये कि हम एक तंबू में खड़े हुए थे। अब ये हमारी शराफत कि हम हारने वाले एक कैंडिडेट से तमीज़ से बात कर रहे थे और हमने उनको बताया कि भाई हम इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के एक अफसर हैं। बस ये सुनते ही वो हो गया चराख पा, कहने लगा, अबे 32 वोट तो मेरे पक्के थे, मुझे 21 वोट कैसे मिले? मैंने समझाया कि भाई जीतने वाले को
3782 वोट मिले हैं, अगर तुम्हें 32 वोट मिल भी जाते तो क्या फर्क पड़ता। 1 का तशद्दुद यहाँ से शुरू हुआ। उन्होंने एक तो यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हारने वाला अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करता। अब 1 का तशद्दुद शुरू हुआ, 1 ने मुझे खींच के नीचे गिराया, दूसरे ने मेरी टाई खींची। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि सिक्योरिटी वाले सही वक्त पे पहुंच गए, वरना वो मुझे उठा के बैलेट बॉक्स में डाल देते। बैलेट बॉक्स तो बहुत छोटा होता है, उसमें आप फिट कैसे आते हैं? भाई अनवर, आधा वो घुसेड़ चुके थे मुझे बैलेट बॉक्स में। तुम्हें नहीं पता यहाँ हारने वाले की बड़ी पावर होती है। सर मेरे ख्याल में तो इलेक्शन ठीक हुए हैं, अच्छे हुए हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है? जी हाँ। फिर तुम क्यों डर रहे हो? नहीं, मैं क्यों डरूंगा, मैं तो, मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। मैं तो आपसे एक बात कह रहा हूँ। सर एक खबर और भी आई है कि कई जगह बैलेट बॉक्स पहले से भरे हुए पहुंच गए थे। उसका तो मैं भी गवाह हूँ, 4 जगह पे ऐसा हुआ। असल में वो पिछले इंतखाबात के बैलेट बॉक्स थे जो खुले नहीं थे, वो हम उठा गए। वो जो 4 साल पहले हुए, 4 साल तो वो खुले नहीं, वो हम उठा के ले गए। अच्छा अच्छा। हाँ सर, वज़ीर आज़म ने कहा है कि इंतखाबात की कामयाबी के बाद सारी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान में जमहूरियत है। अबे अगर जमहूरियत होती तो पूरे इलेक्शन कमीशन के पट्टियाँ बंदी होती, ये अकेले मुझ पर क्यों तशद्दुद हुआ? हाँ, बैलेंस बिगड़ा है। आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मगर मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। जाते जाते इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटरों के लिए कोई पैगाम? हाँ देंगे, पैगाम देंगे। पैगाम यह है कि भाई, हुकूमत ने वोट डालने का जो वक्त मुकर्रर किया है, खुदा के लिए उससे पहले वोट ना डालें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, खुदा हाफिज़।